Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, assalamu alaikum. It's me, Imran Chaudhary, with lecture number 8 of short story number 1, Button Button. Today, we are going to discuss last two pages, page number 6 and page number 7. So, I'm going to start my reading. Get ready, guys. What? Kya? That I would like for us to go to Europe. आगे नॉर्मा कहती है, मैं तो चाहती हूं कि हम यूरोप जाएं. The us में उसने अपनी जात को और अपने हस्बैंड दोनों को शामिल किया. मतलब वो सोच रही थी कि मेरा हस्बैंड समझता है कि मैं अपने लिए सारे फायदे चाहती हूं. That's why मैं प्रेस करना चाहती हूं बटन. लेकिन अब वो यहां पे क्लैरिफिकेशन दे रही है अपने हस्बैंड को कि नहीं, मैं जो भी चाहती हूं, जो भी मुझे बेनिफिट इसमें नजर आ रहा है, वो उस बेनिफिट को मैं अवेल करना चाहती हूं अपने लिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तुम्हारे लिए बराबर. तो कहती है दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप. मैं चाहती हूं कि हम यूरोप जाएं. लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड. मैं चाहती हूं कि हमारा जजीरे पर एक घर हो. लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट. मैं चाहती हूं कि हमारा रहने के लिए एक अच्छा फ्लैट हो. अपार्टमेंट को हमने फर्स्ट पेज पे ही पढ़ लिया था. कंपार्टमेंट कह लें, फ्लैट कह लें, एकोमोडेशन कह लें, आपके पास ये नोटेड होगा. नाइसर फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर हो हमारे घर में. नाइसर क्लॉथ, अच्छे कपड़े हो पहनने के लिए. और अकार, एक अच्छी गाड़ी भी हो. ये उसने लॉजिक्स पेश कर दी अपने अपने हस्बैंड के सामने, रीजंस दे दी कि व्हाई शी वांटेड टू प्रेस द बटन. नॉर्मा, वी विल, ही सेड. आगे से अर्थर का जवाब आया, नॉर्मा हमारे पास सब कुछ होगा. ठीक है, उसका दोबारा से आगे से सवाल आया नॉर्मा का, एक वर्ड का सवाल, व्हेन, कब. और आपने इस एक वर्ड को भी इन्वर्जन्स में क्लोज कर दिया. ठीक है, और क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही. आपने क्वेश्चन जो हुआ, ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे. अर्थर नॉर्मा को टिकटिकी बांध कर देखने लगा मायूसी के आलम में. मुश्किल हो जाएगा, आप इसको आसान कर लें. अर्थर नॉर्मा को मायूसी के आलम में घूर घूर कर देखने लगा. स्टेट का मतलब पहले भी कई दफा हो चुका है, दोबारा से आज नोट कर लीजिए, गेज्ड या ग्लेयर्ड. और डिसमे का मतलब क्या होता है, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अफसोस. ठीक है, इसे अफसोस भी कह सकते हैं और मायूसी भी कह सकते हैं. डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, फिर आप इसको पिटी कह सकते हैं. क्लियर. नॉर्मा, और उसने मायूसी के आलम में उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला जो कि उसका नाम था, कहता है नॉर्मा, बात दोबारा इनकम्प्लीट छोड़ दी. और आगे से उस औरत का दोबारा से वही सवाल आया, व्हेन, कब, कब होंगी हमारे पास ये चीजें. आर यू, क्या तुम, दोबारा से बौखलाए हुए अंदाज में उसने अपनी बात वहीं छोड़ दी. ही सीम्ड टू ड्रॉ बैक स्लाइटली. बजाहिर उसने, वो अपने मौकफ से दस्तबरदार हो गया स्लाइटली, हल्का सा. ड्रॉबैक, पीछे हटना. बेसिकली ड्रॉबैक, पीछे हटना, इसका मतलब आप देख सकते हैं सिनोनिम रिट्रीट या गिव बैक. अपने मौकफ से वो कुछ पीछे हट गया स्लाइटली, लाइटली, थोड़ा सा. क्लियर. अगर अच्छी उर्दू लिखनी है तो आप लिख सकते हैं वो बजाहिर अपने मौकफ से थोड़ा सा दस्तबरदार हो गया. ठीक है, यह लिख दीजिएगा. आर यू रियली सेइंग, और कहता है बेचारा इंतहाई परेशानी के आलम में, क्या तुम वाकई ये सब कुछ कह रही हो. क्लियर, इन्वर्जन क्लोज. और आगे नॉर्मा की बात शुरू हुई. आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट. मैं तो कह रही हूं कि वो ये सब कुछ गालिबन किसी तहकीकाती मंसूबे के लिए कर रहे हैं. ठीक है, प्रोबेबली, पॉसिबली, परहैप्स. क्लियर, वो तो लाइकली भी से कहते हैं, पॉसिबली, परहैप्स, लाइकली. ठीक है, एल आई के ई एल वाई. आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट. मैं तो कह रही हूं कि वो गालिबन किसी तहकीकाती मंसूबे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं. ठीक है, इन्वर्जन क्लोज. अब ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये भी इंशाल्लाह हम अपने फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में इसको भी डिस्कस करेंगे. रेयरली इसका आपसे टाकरा पड़ेगा, कभी कभार इससे वास्ता पड़ेगा, बट यू मस्ट हैव कंप्लीट अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे. शी कट हिम ऑफ, उसने
अर्थर की बात काट डाली. डेट दे वॉन्ट टू नो वट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांस. वो तो बस ये जानना चाहते हैं कि आम अफराद, एवरेज कौन से लोग होते हैं, ऑर्डिनरी लोग, कि आम अफराद इस किस्म की हालत में किस तरह का रवैया जाहिर करेंगे. सर्कमस्टांस का मतलब लिख सकते हैं आप कंडीशन. डैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई. वो सिर्फ कहने की हद तक कह रहे हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि कोई ना कोई मर जाएगा. इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, रद्दे अमल जानने के लिए, सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंग्जाइटी, व्हाटएवर, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि लोगों में कोई एहसास जुर्म या कोई तशवीश जैसी चीजें पैदा होती हैं. गिल्ट का मतलब लिख सकते हैं आप क्राइम, और एंग्जाइटी मीन्स वरी. ठीक है, यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी. मत समझना ऐसा कि वो वाकई किसी को कत्ल कर देंगे. डू यू, क्या तुम ऐसा समझते हो? क्लियर क्वेश्चन मार्क, इन्वर्जन क्लोज. आर्थर डिडंट आंसर. आर्थर ने कोई जवाब ना दिया. शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग. नॉर्मा ने आर्थर के हाथों को कांपता हुआ देखा. ट्रेम्बलिंग आप पढ़ चुके हैं पहले, शेकिंग, क्विवरिंग, शिवरिंग. ठीक है, आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट. वो उठा और वहां से चला गया. व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर चला गया, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल. नॉर्मा मेज पर ही रही. व्हेन ही हैड गॉन टू टेबल, अब देखिए यहां पे ही कॉमा डी, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर, लफ्जों को सुकड़ाओ में ले आना, तो उसको श्रैंक कर देना. अब ही हैड, HEHAD, इन सारे वर्ड्स को हम अगर बिल्कुल स्क्वीज कर दें, श्रिंक कर दें, सही, तो इसे कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन. लिहाजा ही कॉमा डी. व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर चला गया, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल. नॉर्मा मेज पर ही बैठी रही, स्टेयरिंग इन टू हर कॉफी, और अपनी कॉफी को टिकटिकी बांध कर देखती रही. सोचने लगी, कहने लगी, अपने आप से कहने लगी, आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है, शी थॉट. उसने सोचा, और फिर खुद ही शी श्रग्ड, उसने कंधे उचका दिए. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फर्क पड़ता है. व्हाइल शी वॉज स्टेकिंग डिशेज, शी टर्न्ड एब्रप्टली. जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, स्टेकिंग किसी चीज का ढेर लगाना, इकट्ठा करना, इसे आप कह सकते हैं हीपिंग, एक्यूमुलेटिंग, पाइलिंग. जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, शी टर्न्ड एब्रप्टली, यकलख्त, एकदम से वो मुड़ी. एब्रप्टली का मतलब क्या होगा? सडनली, स्विफ्टली, हरिडली. ड्राइड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ खुश्क किए. एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और निचले अलमारी के निचले खाने से उसने वो डब्बा बाहर निकाला. ओपनिंग इट, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसे खोलकर उसने उस यूनिट को मेज पर रख दिया. शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलोप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम. उसके लिफाफे में से चाबी निकालने और शीशे का गुंबद हटाने से पहले वो काफी देर उस डब्बे को टिकटिकी बांध कर देखती रही. क्लियर, शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को गौर से देखा. हाउ रिडिक्यूलस, शी थॉट, और उसने सोचा कितनी मजहका खेज बात है. रिडिक्यूलस का मतलब क्या लिखेंगे? इलॉजिकल, इरेशनल और सेंसलेस. ऑल दिस फ्यूर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, कितना हंगामा एक बेमायनी से बटन पर. फ्यूरर, बसल, अप्रोर, ट्यूमल्ट, सही, और मीनिंगलेस पता है आपको, वर्थलेस, यूजलेस, एक बेमकसद से बटन पर इतना हंगामा. रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट डाउन, और उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए उस बटन को दबा दिया. फॉर अस, शी थॉट एंग्रीली, हमारी बला से,
उसने इंतहाई गुस्से के आलम में सोचा, मगर उसके बाद क्या हुआ, शी शडर्ड, वो कांप सी गई। शडर्ड का मतलब जानते हैं आप, ट्रेम्बल्ड, शिवर्ड, क्विवर्ड, वो कांप गई। वॉज इट हैपनिंग, क्या कुछ हो गया था। अ चिल, सर्द लहर, चिल, सर्द लहर ऑफ हॉरर, खौफ की, स्वेप्ट अक्रॉस हर, उसे छू कर गुजर गई। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ड, एक ही लम्हे में वो गुजर गई। शी मेड अ कंटेम्पशियस नॉइज, नॉर्मा ने हिकारत अमेज शोर मचाया। कंटेम्पशियस, हेटफुल, स्कॉर्नफुल, क्लियर, इसको आप डिसडेनफुल भी कह सकते हैं, DISDAINFUL, क्लियर। नॉर्मा ने हिकारत अमेज शोर मचाया। रिडिकुलस, मजहका खेज, शी थॉट, उसने सोचा, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, कि इतनी परेशानी एक बेमकसद, एक बेमायनी सी चीज पर। शी थ्रू द बटन यूनिट, डोम एंड की इन टू द वेस्ट बास्केट एंड हर्रीड टू ड्रेस फॉर वर्क। उसने उस एक्टिविटी के बाद बटन यूनिट, उसका गुंबद, उसकी चाबी रद्दी वाली टोकरी में फेंक दी एंड हर्रीड टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम पर जाने के लिए कपड़े पहनने में जल्दी की। She had just turned over the supper steaks when the telephone rang. अभी उसने रात के खाने के लिए चांपों को, गोश्त के टुकड़ों को पलटा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। She picked up the receiver. उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो। अब देख लीजिए, उसने कहा हेलो, उस जुमले को भी आपने, उस लफ्ज को भी आपने इन्वर्जन में क्लोज कर दिया, और हेलो वो इंक्वायर कर रही है कि कौन है, सवाल हो गया, लिहाजा क्वेश्चन मार्क। आगे से जवाब आया, मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस हैं? नॉर्मा बोली, यस, हां मैं मिसेस लेविस हूं। यस, क्वेश्चन मार्क, हां तो, मतलब यस का मतलब यहां पर सिंपल हां नहीं है, हां तो, क्वेश्चन मार्क। दिस इज द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, हम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। दोबारा से इन्वर्जन्स में क्लोज हो गई ये बात। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, उसे यकीन ना आया जब उस आवाज ने उसे जमीन दोज रेलवे के एक हादसे के बारे में इतला दी। क्या इतला दी, द शोविंग क्राउड, धक्कम पेल करता हुआ हुजूम, शोविंग एक दूसरे को धकेलना, धक्के देना, धक्कम पेल करता हुआ हुजूम। अर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, और अर्थर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और वहां से उसे धक्का लगा और वो ट्रेन के आगे जा गिरा। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, उसे कॉन्शियस, वो खबर, उसे खबर थी, उसे पता था। कॉन्शियस का मतलब है एक्टिव, अलर्ट, अवेयर, एक्टिव, अलर्ट, अवेयर, उसे खबर थी कि उसका सर कांप रहा है, हिल रहा है, बट कुडंट स्टॉप, मगर वो इससे खुद को रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने रिसीवर नीचे रखा, शी रिमेंबर्ड अर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 विद डबल इंडेमनिटी फॉर, तो उसे अर्थर की जिंदगी की बीमा पॉलिसी याद आई जो कि $25,000 की थी और किसी भी हादसे की सूरत में दोहरे तावान के साथ मिलनी थी। नो, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, नहीं, जाहिरी तौर पर उसे सांस ना आया। अब देखें यहां पे ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ लगाया है, क्योंकि टू के बाद हमेशा हमने वर्ब लगाना होता है, तो लिहाजा यहां पे BREATH नाउन नहीं लग सकता, यहां पे हमें वर्ब की जरूरत है, टू ब्रीथ, क्लियर। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब इकट्ठे आती है तो इसे कहा जाता है इन्फिनिटिव, क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, और जब फर्स्ट फॉर्म बगैर टू के आती है उसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, वो मैंने आपको तफसील से पढ़ा दिए हैं। शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट एंड वॉक्ड इनटू द किचन नंबली, वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई और गुमसुम बावर्ची खाने में गई। नंबली, गुमसुम, इम्पैसिवली, सेंसलेस, ठीक है। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट, जब उसने बटन यूनिट उठाया
किसी सर्द चीज ने उसके दिमाग पर दबाव डाला और उसने बटन यूनिट कहां से उठाया, रद्दी वाली टोकरी में से। और जब उसने उसको देखा, देर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, तो उस डब्बे में कोई किसी किस्म का कील या पेच नुमाया नहीं थे। विजिबल का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस, वॉचेबल, अपेरेंट। शी कुडंट सी हाउ इट वॉज पुट टूगेदर, उसे समझ ना आ सकी कि डब्बा जोड़ा कैसे गया था। एब्रप्टली, एब्रप्टली हम लास्ट पेज में पढ़ चुके हैं, एट वंस, सडनली, अचानक, शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, उसने डब्बे को पटखना शुरू कर दिया वॉश बेसन के किनारे से। स्मैश, क्रैश, क्रैक, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, जोर जोर से मारती गई। पाउंडिंग का मतलब क्या है, स्मैशिंग, हिटिंग, बीटिंग, अंटिल द वुड स्प्रेड, जब तक लकड़ी टूट ना गई। स्प्रेड का मतलब क्या है, ब्रेक। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने खींच कर तमाम अतराफ को अलग किया, अपार्ट मतलब सेपरेट, कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, और इस कार्रवाई के दौरान उसकी उंगलियां भी जख्मी हो गई मगर उसे पता ना चल सका। देर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स, डब्बे में ना कोई ट्रांजिस्टर था, ना कोई तारे और ना कोई ट्यूबें, ट्यूबों को आप नलकियां भी कह सकते हैं। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डब्बा बिल्कुल खाली था। शी वर्ल्ड विद अ गैस्प, वो घूमी, वर्ल्ड का मतलब लिखिए रोटेटेड, विद अ गैस्प, हांपते हुए एकदम से घूमी। गैस का मतलब है पेंट, पीएनटी, पेंट या आउट ऑफ ब्रीथ। एज द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी दोबारा से, तो वो हांपते हुए फूली हुई सांस के साथ पलटी, मुड़ी, स्टम्बलिंग इन टू द लिविंग रूम, और ठोकरें खाती हुई, लड़खड़ाती हुई, स्टैगरिंग, लड़खड़ाती हुई दीवान खाने में पहुंची। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया और आगे से उसको सवाल पूछा गया उससे, मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस हैं, सवाल पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है, इनवर्जन में बंद है ये। मिसेस स्टीवर्ड आस्क्ड, मिस स्टीवर्ड ने पूछा, इट वाजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, क्योंकि इतनी चिल्लाती हुई आवाज नॉर्मा की नहीं हो सकती थी, इट कुडंट बी, उसकी आवाज नहीं हो सकती थी। नॉर्मा ने फोन उठा तो उसकी आवाज सुनते ही सवाल कर दिया, यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, तुमने तो कहा था कि मैं उस शख्स को जानती नहीं होंगी जो मरेगा। तो आगे से मुख्तसर सा जवाब आया मिसेस स्टीवर्ट का, माय डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून, मिसेस स्टीवर्ट सेड, मिसेस स्टीवर्ट बोला, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप समझती हैं कि आप अपने खाविंद को वाकई जानती थी। और यहीं पर बेटा हमारा ये चैप्टर, हमारी ये कहानी खत्म हुई, कि स्टीवर्ट ने एक बहुत बड़ा तंजिया जुमला नॉर्मा को कहा, उसने कहा कि क्या तुम वाकई अपने खाविंद को जानती थी, बिकॉज कि अगर वो जानती होती, उसकी नेचर को समझती, उसके टेम्परामेंट को समझती, उसकी वैल्यूज को जानती, तो कभी भी उसकी विल एंड कॉन्सेंट के अगेंस्ट, उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाकर बटन प्रेस ना करती। ये कहानी टोटली फिक्टिशियस थी, टोटली इमेजिनरी स्टोरी थी, क्लियर, इसमें कहीं पर भी कोई हकीकत से कोई ताल्लुक इसका नहीं था। कुछ लोग इसका एक और एस्पेक्ट भी निकाल लेते हैं कि मिस्टर स्टीवर्ड की जो कंपनी थी उसका कहीं कोई हवाला नहीं दिया गया, बस एक जगह बताया गया है कि वो इंटरनेशनल स्कोप की कंपनी थी। तो मे बी कुछ लोग ये भी इस बारे में एक रिजल्ट निकालते हैं कि उस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी हो और वो अपने एक क्लाइंट को कत्ल करवा कर उसे उसकी पेमेंट उसकी उसकी जो मिसेज है, उसकी जो बेगम है, उसको डबल पेमेंट देकर मे बी सोसाइटी में अपनी साख बनाना चाहती हो, ताकि मैक्सिमम लोग उसके उसके उसकी क्लाइंटशिप में आ जाए और उसका कारोबार बेहतर हो। मे बी एक इसका ये भी रिजल्ट निकलता है, अदरवाइज इट वॉज अ फैंसी स्टोरी, इट वॉज एन इमेजिनेटिव स्टोरी। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।